हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पर अभी हमारी स्टडी हो रही है। एमएस वर्ड अभी हमारा हो रहा है। आज हम लोगों का मेलिंग टैब पर काम होगा। तो ये टैब होता क्या है? इसमें ऐसे जैसे कि ये आपकी कोई ये कोई एक एक अभी हमारा फॉर्म, तो आई जस्ट ओपन, यह एक फाइल है। आप चाहते हो कि आपकी ये फाइल मल्टीपल लोगों के पास में पहुंच जाए, तो उसके लिए मेलिंग का काम होता है कि एक ही फाइल की कॉपी अलग अलग लोगों तक कैसे हम उन तक पहुंचाएंगे। तो ये काम हमारा इससे होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपका इसका काम अलग, इसका काम ऐसे ही। इन सब ऑप्शंस की पर या तो आप अलग अलग हो आओ, या फिर आप इसका एक आपका शॉर्टकट होगा जिसमें सारे ऑप्शन का काम एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो आई जस्ट टेल यू अबाउट द शॉर्टकट। आप स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में आएंगे और आप इसमें आकर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में आप आएंगे। अब यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो क्या है, लेटर है, ई मेल है, तो वो क्या है? तो अभी हमारे केस में ये है। ओके, एक स्टेप, इसमें आपके 6 स्टेप होंगे। तो एक स्टेप हमारा हो चुका है, आई जस्ट क्लिक हियर। ओके, क्या आपको इसी फाइल को सेंड करना है या जो हमारे या जो ये जो एमएस ऑफिस है उसके अपने भी कुछ फाइल्स होती हैं, तो आप उनमें भी आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, इस टाइप से, या फिर कोई फाइल अगर आपकी पहले से सेव है तो आप उस ऑप्शन पे आ जाइए। अभी हम लोग इसी फाइल में आ जाते हैं क्योंकि अभी हमारा इसी पे काम हो रहा है। अगला, ओके, ये फाइल आपको किन किन के पास में पहुँचानी है? तो अभी हमारे पास में कुछ भी अभी ऐसा तो है नहीं, तो अभी हमें न्यू लिस्ट को बनाना होगा। तो अभी हम इस ऑप्शन पे आ जाते हैं और क्रिएट ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग फील्ड हैं, तो इतने सारे फील्ड हैं। तो अगर आपको कुछ फील्ड कम करने हो तो आप डिलीट एंट्री में आ जाइए। एक मिनट, आप कस्टमाइज कॉलम में आ जाइए। हमने कहा जी हमें इसको हटाना है, एड्रेस को हमें हटाना है, सिटी को हटा दें देते जाकर। सिर्फ कुछ ही हमारे पास में कॉलम होने चाहिए। तो जिस जिस कॉलम पर आपका काम हो आप उस कॉलम को अपने पास में रखिए और बाकियों को आप हटाइए। ओके फाइन, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं ओके ऑप्शन पे आ जाता हूँ। जैसे हम लिखा था कि एक हमारा है राहुल कुमार और ये कंपनी है इसकी सैमसंग। न्यू एंट्री में जब आप आएंगे, हमने कहा जी एक है मोनिका राठौर, ये है नोकिया में। ऐसे ही अगली एंट्री, अभी खन्ना और ये है लिनोवो में। ऐसे ही अलग अलग आपकी एंट्री इसमें आ जाएंगी और ये एंट्री में आप ओके ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो अभी आपने एंट्री की है ये एक फाइल के फॉर्म में आपकी सेव हो जाएगी। तो आई जस्ट सेव इन द डेस्कटॉप, यू कैन सेव एनीवेयर एंड जस्ट गिव एनी नेम। आई जस्ट गिव नेम ABC और ये हमारी सेव हो जाएगी। ABC फोल्डर में, दिस PC डेस्कटॉप में, जस्ट कि ABC सेव।
ओके जब आप आएंगे तो ये आपके एक फाइल के फॉर्म में, ये हमारा एक, ये जो हमारी ss.mbd नाम से ये अभी हमारी सेव हो चुकी है। ओके ये अभी हमारी फाइल हो गई है। हम इसमें ऐसे एंटर कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि टू और यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर आकर राइट योर लेटर और यहाँ पर एड्रेस आप मोर आइटम पे आएंगे और हमने कहा जी एक तो आ जाए फर्स्ट नेम इंसर्ट, फिर आ जाए लास्ट नेम इंसर्ट एंड कंपनी नेम इंसर्ट और आप इसे अपने हिसाब से सेट कर दिए जाकर ऐसे, हमने कहा थोड़ा सा स्पेस देकर। ओके अब यहाँ पर आप आइए प्रव्यू योर लेटर और यहाँ पर देख रखिए जो हमने एंट्री की थी वो सामने आपके ऐसे आ जाएगी, एक एंट्री की थी, दो एंट्री की थी, तीन एंट्री की थी। अब आप इन पेजेस के अलग अलग प्रिंटआउट लेकर एंड यू कैन सेंड टू देम। तो इसका ये था कि एक ही पेपर को अगर आपको अलग अलग लोगों के पास में सेंड करना है तो वो आपको अलग अलग टाइप करने की बजाय इससे आपका काम शॉर्टकट में हो जाएगा। ओके आई होप कि ये आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो गाइस ये जो कॉर्नर में सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ जस्ट क्लिक हियर, क्योंकि ये मेरा चैनल है, इस पर मैंने एथिकल हैकिंग, लाइनेक्स, CCNA, CCNP पर पूरे एडवांस पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं और सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक आएगी। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।